गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज 24th मई 2020। इट्स 9 AM, लोकेशन विलेज पांचलासीधा, डिस्ट्रिक्ट नागौर, राजस्थान। वेल स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 3 इन पार्ट 1। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। फंक्शन एफ हुज डोमेन इज रियल नंबर 2, कोडोमेन इज सर्वोल एक्स, एक्स इज रियल एंड वैल्यू एक्स इज -1 to 1। यानी कोडोमेन ऐसा भी लिखा जा सकता था, कुड हैव बीन रिटन लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, दिस कुड हैव बीन रिटन लाइक दिस। फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल एक्स बाय 1 प्लस मोड एक्स। अब बच्चों, मोड एक्स की डेफिनेशन आपको पता था कि मोड एक्स का वैल्यू मोड एक्स इज -x। 11th क्लास में पढ़ा था आपने, सेकेंड चैप्टर में मोड एक्स इक्वल टू -x होता है अगर x नेगेटिव, x इज नेगेटिव, एंड मोड एक्स इक्वल टू x होता है कब, अगर x 0 या उससे बड़ा। ये दो चीजें हमेशा याद रखना, कहीं भी आपका आ जाएगा मोड एक्स इक्वल -x, वन एक्स इज नेगेटिव इट इज x, वन एक्स इज नॉन नेगेटिव, 0 और ग्रेटर देन 0। वेल, सो दैट्स व्हाई द गिवन फंक्शन कैन बी री रिटन एज दिस। x के जगह x आ गया, x नेगेटिव है तो मोड x -x हो गया, x 0 या उससे बड़ा है तो मोड x की जगह x लिख दिया। तो ये फंक्शन मल्टीपल कंडीशन वाला बन गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए बच्चों। अब हम चेक करेंगे 1-1, उसके बाद चेक करेंगे 1-2 है, चेक वेदर इट इज 1-1 एंड 1-2, या बोलेगा शो दैट गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। स्टूडेंट्स, दो केस कंसीडर करेंगे, इफ एक्स इज नेगेटिव एंड एक्स 0 या उससे बड़ा या नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स यहां से डाल दिया आपने, ये वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला फंक्शन काम ले लिया, एक्स बाई 1 - x, इट इज एक्स बाई 1 - x। एफ वाई वाई बाई 1 - y, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स वाई खत्म हो जाएगा, एक्स इक्वल वाई आ गया। सेकेंड केस में इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव है तो एफ एक्स इक्वल एक्स वाई, एफ वाई नॉन नेगेटिव या 0 या उससे बड़ा, तो ये सेकेंड वाला फंक्शन काम में लेंगे, ये वाला। ये लिखा आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल वाई आ गया। देयरफॉर एफ इज 1-1। आपने पढ़ा था, यू पुट एफ एक्स इक्वल एफ वाई, इफ यू गेट एक्स इक्वल वाई देन द फंक्शन इज 1-1। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको बच्चों। चेक करेंगे 1-2 के लिए, दोनों केस में इफ एक्स इज नेगेटिव एफ एक्स में वाई रखते हैं, फॉर 1-2 वी पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। गलती नहीं करना, डोंट गेट कंफ्यूज। 1-1 के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, 1-2 के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहां हम एक्स का वैल्यू पता करेंगे वाई के टर्म्स में, एफ एक्स को यह लिख दिया, नेगेटिव वाला ऊपर वाला दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स इधर आ गया, वाई माइनस एक्स वाई आ गया। टर्म्स कंटेनिंग एक्स शुड बी शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, देन वी विल टेक एक्स कॉमन। डियर स्टूडेंट, एक्स इज टेकन कॉमन, 1 + y, एक्स इन 1 + y इक्वल्स टू वाई, एक्स वाई बाई 1 + y, वाई इज नॉट इक्वल टू -1, बिकॉज व्हेन यू पुट वाई इक्वल टू -1, डिनोमेटर बिकम 0, एंड इफ डिनोमेटर 0 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सेकंड केस में एक्स 0 या उससे बड़ा है, या अगर मैथ की भाषा में बात करें तो इट इज एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, आपने इस तरह से करते करते एक्स का वैल्यू वाई बाई 1 - y आया। देन इसमें वाई 1 नहीं होना चाहिए,
वाई वन अगर होगा तो डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब यहां ध्यान रखना, ऑल टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, विच वाई डोमेन, को डोमेन वाला, एक्स इज ऑलवेज परजेंट। देखो हम y का वैल्यू माइनस वन नहीं रख सकते, वन नहीं रख सकते, तो माइनस वन और वन वैसे भी तो डोमेन को डोमेन है ही नहीं। माइनस वन और वन के बीच का कोई भी नंबर आप यहां रखेंगे इसमें y का, तो x हमेशा रियल नंबर मिले, x विल बी रियल नंबर, x विल बी रियल सिंबल इज r2, ओके योर मार्क। तो y इज ऑलवेज प्रेजेंट इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y प्रेजेंट इन को डोमेन, x इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डोमेन, हैंड इट इज 1 1 एंड ऑन 2। ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, f इज r टू r, fx इक्वल टू x क्यूब, fx इक्वल x क्यूब, सो दैट फंक्शन इज 1 1। बहुत ही ज्यादा आसान, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ क्वेश्चन नंबर 5, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, शो दैट एफ इज 1 1। आप एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखना, एक्स इक्वल टू वाई मिलता तो 1 1 है, अदरवाइज ये 1 1 है। वैसे भी आपको अगर ये एमसीक्यू में आए, आपको एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ याद है, ग्राफ आपने ऐसा लगाया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या था, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक झटके में ये फंक्शन एक झटके में एक बार काटता, देयरफॉर इट इज 1 1, इट इज 1 1। आपके एमसीक्यू में, आईआईटी में या कहीं भी एनडी वगैरह आता है तो जनरली पूछा जाता है फंक्शन जो है, द फॉलोइंग फंक्शन इज, ऑप्शन ए में 1 1 एंड 1 2, ऑप्शन बी 1 1 एंड इन टू, ऑप्शन सी में मैनी वन एंड टू, मैनी वन टू डी में। तो आप 1 1 एंड मैनी वन इवन होते ग्राफ, सो इट्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको फटाफट आइडिया लग जाएगा 1 1 है कि वो 1 2 है कि नहीं है, ठीक 1 1 है मैनी वन है। क्वेश्चन नंबर 6, आपके एमचार्ट बुक में हिंट दिया हुआ, आप खुद करेंगे। 7th में हिंट इज गिवन इन योर एमचार्ट बुक, योर स्टूडेंट्स ट्राई सॉल्व। अब 8th क्वेश्चन में गिवन है नॉन एम्प्टी सेट एक्स, गिवन है नॉन एम्प्टी सेट एक्स, योर स्टूडेंट्स गिवन है नॉन एम्प्टी सेट एक्स के, कंसीडर पी एक्स, पी फॉर पावर सेट ऑफ एक्स, आपने पढ़ा था ए इज सेट, ए इज सेट, तो पी कॉमा ए विल बी पावर सेट ऑफ ए, पी कॉमा ए विल बी पावर सेट, तो एक्स एक सेट है, तो पी एक्स एक्स का जितना भी है सेट एक्स का पावर सेट है, ऑलराइट। डिफाइन रिलेशन आर इन पावर सेट ऑफ एक्स सच दैट एज फॉलोज, फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स, ए रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, तब अगर ए बी का सबसेट है तो। तो क्या पूछा है, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, इट मस्ट बी सिमेट्रिक, इट मस्ट बी ट्रांजिटिव। सो लेट अस टेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, कैस वन में रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में यू नो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट, सेल ए इज सबसेट ऑफ बी, अपोजिट हाँ सर, ओके ओके, पिन चेक वेदर इट इज
इक्विवेलेंस और नॉट, फर्स्ट यू चेक रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिव में यू नो इफ ए इज रिलेटेड टू ए देन इट इज रिफ्लेक्सिव. सो यू नो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एक्शन, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एक्शन. ओके, देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू ए, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव. आर इज रिफ्लेक्सिव. चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट. सिमेट्रिसिटी चेक करते, सिमेट्रिक. लेट ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट बी इज नॉट ऑलवेज सबसेट ऑफ ए. देन वी विल लाइक लेट ए आर बी ए रिलेटेड टू बी. That means A is subset of B, but B will not be subset of, therefore B will not be related to A. Implies that R is not symmetric. Let us check whether it is transitive or not. Transitivity check. Transitive. ट्रांजिटिविटी में लेट ए आर बी एंड बी आर इंप्लाइज दैट मीनिंग ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी. इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी. तो निश्चित रूप से ए सी का सबसेट होगा. ए विल बी सबसेट ऑफ सी. इंप्लाइज दैट ए will be related to C, implies that R is transitive. From cases, therefore, from 1, 2 and 3, we can say or we can conclude that R is equivalence relation. Please note it out after pausing the video. Now question number 3, I'm sorry, question number 9. It is binary operation which is not in your syllabus. Question number 9, binary operations have been removed from the syllabus last year. Number 10, सेट दे रखा है. सेट इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 10 में सेट ए इज गिवन विच हैज 1, 2, 3 अप टू एन, यानी देर आर एन एलिमेंट्स आर गिवन. यू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए. नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन From A to A. Domain is A, codomain is also A. A to A, yani F will be A to A. How many onto functions will be there? Let us illustrate it with arrow diagram. A. 1, 2, 3, 4, dot, there will be n elements. Similarly, this set will contain n elements. Now, onto function का मतलब set इस codomain वाले element का सबका कोई तो प्रीमेल होना चाहिए. ओके, अब ये एलिमेंट वन ऑफ सेट ए, एलिमेंट वन ऑफ डोमेन कैन बी रिलेटेड टू एनी वन ऑफ द n एलिमेंट्स. यानी वन कैन हैव एन इमेजेस इन कोडोमेन. तो वन का कोई इमेज हो गया, टू का कितना इमेज हो सकता है, एन माइनस वन. मान लो वन का 3 हो गया तो बाकी एन माइनस वन बचा. 3 कैन हैव हाउ मेनी इमेजेस, एन माइनस टू इमेजेस. इसी प्रकार इसका एलिमेंट एन माइनस वन आएगा. एन माइनस वन कैन हैव हाउ मेनी इमेजेस, टू इमेजेस.
and last element, this will have one image. So total number of function कितना होगा? 1 into 2 into 3i, जैसे कि या n into n minus 1, n minus 2 up to this one. So therefore total number of onto functions will be how many n into n minus 1, n minus 2 up to 4 into 3 into 2 into 1, यानी कितने होते हैं 1 से लेके n तक natural number, they are n factorial. Answer, n factorial is answer. Is answer? Turn over the next question number 11. Question 11. क्या है? The sets are given. The sets are given. Question number 11 में two sets are given. Set S is A, B, C. Set P is given 1, 2, 3 elements is K. Find F inverse of following functions. Find F inverse from S to T. From S to T. Okay? Functions F from S to T. K. तो फर्स्ट फंक्शन दे रखा, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन दे रखा एफ, एस टू टी है, ए का वन, बी का इमेज टू, सी का इमेज थ्री. सो इस फर्स्ट इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए इट मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, इट मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, एंड इट मस्ट बी बाइनरी फंक्शन. सो अब वन वन है, ए का वन इमेज है, बी का भी वन इमेज है, सी का. फिर ऑन टू एक नहीं है, वन टू थ्री का सभी का ऑन टू इमेज है, ये है, ठीक है ना. सो सिंस इट इज इक्वल है, इट इज वन 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 टू, सो एफ इनवर्स इक्वल टू कोडो में ये है एलिमेंट रिवर्स कर देगा, वन ए टू बी थ्री सी. नंबर टू में, नंबर टू में एफ ए टू बी वन सी थ्री, ए टू बी वन सी थ्री, एफ इज ए टू बी वन सी थ्री, ए का टू, बी का वन, सी का थ्री, टू वन थ्री, ए सॉरी ए थ्री बी टू सी वन, ए थ्री बी टू सी वन, ए थ्री पार्ट एक टू बी वन सी, एक टू बी वन सी वन, रॉन्ग लिटल आई, सेकंड में एक टू बी वन सी वन, एक टू बी वन सी वन. अब चेक, क्या ये वन वन ऑन ऑन टू है? ये वन वन नहीं है, बिकॉज बी का इमेज भी वन है, सी का भी वन है, बी का और सी का दोनों के इमेज वन है. या उल्टी बात करें, कह सकते हैं कि एलिमेंट वन है टू प्रीमेजेस बी एंड सी. सिंस एफ इज नॉट वन वन, ये वन टू में नहीं है, बिकॉज एलिमेंट थ्री का कोई प्रीमेज नहीं है. हम कह सकते हैं एफ इज नाइदर वन वन नॉर वन टू, देयरफॉर इट हैज नो इनवर्स. इट हैज नो इनवर्स, या इनवर्स, या इनवर्स एप इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये कह सकते. नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन 12, 13, 14, दे आर बाइनरी ऑपरेशन या दे इन्वॉल्व बाइनरी ऑपरेशन, सो दे आर नॉट इन आवर सिलेबस. यू आर वेरी लकी. बाइनरी ऑपरेशन हैव बीन रिमूव्ड सिंस 2019. फिफ्टीन क्वेश्चन, ए माइनस वन जीरो वन, ए सेट है माइनस वन जीरो वन टू. फिफ्टीन क्वेश्चन में सेट ए है माइनस वन जीरो वन टू,
सेट बी में एलिमेंट है माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस टू जीरो एंड टू, एंड फंक्शन एफ एक्स इक्वल दे रखा है। यहां लिख देते हैं जब ये कम पड़ेगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन मोड एक्स माइनस वन बाई टू माइनस वन, मोड एक्स माइनस वन बाई टू माइनस वन। एफ एंड जी आर फ्रॉम ए टू बी, दे आर फ्रॉम ए टू बी, यानी दोनों का डोमेन ए दोनों का डोमेन बी। ओके, कह सकते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, जी ऑल्सो फ्रॉम ए टू बी। चेक करना है कि चेक वेदर एफ इक्वल टू जी, क्या एफ एंड जी दोनों फंक्शन इक्वल है। बच्चों आपको याद होना चाहिए इक्वल फंक्शन किसको बोलते हैं, एफ एंड जी आर इक्वल इफ दोनों का डोमेन डोमेन ऑफ ए एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। कह सकते हैं एफ एंड जी इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। ये आप नोट, दोनों का डोमेन तो सेम ही है, ए एफ का डोमेन भी ए, जी का डोमेन भी ए, एफ एक्स अब ठीक है सिंस डोमेन इज। ओके सो आप एफ लिख देना एफ एफ इक्वल टू जी इफ डोमेन बोथ फंक्शंस हैव सेम डोमेन एंड एफ एक्स एंड जी एक्स विल गिव सेम वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट एलिमेंट ए के। वी विल नाउ चेक, सो क्लियरली डोमेन इक्वल टू, तो क्लियरली डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी लिख डी ऑफ एफ डी। अब पार्ट टू में लेट अस राइट एफ माइनस वन, एफ माइनस वन कितना है एफ एक्स की एक्सिस पे, देखो एफ एक्स एक्सिस पे एफ माइनस वन कितना हुआ माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। साथ में इधर लिखेंगे जी जी माइनस वन, यू चेक इट टू इंटू माइनस वन माइनस वन बाई टू माइनस वन, टू इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, टू इन दिस विल गिव यू टू इंटू माइनस टू से टू कैंसिल हो गया टू थ्री दस, टू से टू कैंसिल हो गया थ्री माइनस वन दिस आंसर इज टू। सो देयरफॉर एफ वन इक्वल टू देयरफॉर एफ माइनस वन इक्वल टू जी। अब चेक करेंगे क्या लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, एट एक्स इक्वल माइनस वन या एट एक्स इक्वल टू जीरो। आप एफ जीरो पता करना, आप जी जीरो पता करना, आपकी वैल्यू क्या है एट एक्स इक्वल टू वन, तो एट एक्स वन में एफ वन क्या आएगा जी वन क्या आएगा, यू चेक वैल्यूज दे मस्ट बी इक्वल। बच्चों एफ वन जीरो आएगा, एफ वन जीरो आएगा एंड एफ जीरो भी जीरो, एफ जीरो भी जीरो आएगा, गेट जीरो दिस इज जीरो और ये भी जीरो आएगा, आप चेक कर लेना। नाउ एफ टू एट एक्स टू, यू जस्ट चेक एफ टू यू जस्ट चेक जी टू, ये आप खुद बच्चे इंटेलिजेंट है कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना आएगा चेक कर लेना एफ टू विल जी टू एंड जी टू विल जी टू चेक कर लेना। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स प्रेजेंट इन ए एफ एंड जी गिव सेम आंसर, सो एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शंस। अब आप क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 बच्चों होमवर्क कर लेना।
एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। 2018 में 6 मार्क्स का आया था, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। लेट मी राइट, यू आर नोट डाउन इन योर नोटबुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बच्चों का पेपर इंपॉर्टेंट। 2018 6 मार्क्स। सो शो दैट F from R to R, F from R to R, Fx equal to x by x square plus 1. It is neither 1-1 nor 1-2. It's neither 1-1 nor 1-2. Neither 1-1 nor 1-2. So 1-1 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? आप जरा सोचिए, 1-1 के लिए क्या करते हैं? आपने पता है? यस, यू शुड नो। किसने से पता है? ऋषि, स्वाति, यस, राठी, जिगर, ऋतुराज एंड और भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, सपना, यामिनी, चेतना, मिच, ट्राई ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके चेक करना भी क्या आप कर सकते हैं इसको। नहीं, आप एफ एक्स में एफ आई पुट कीजिए और एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है कि आपका आंसर चेक करना है। लेट एफ एक्स इक्वल फॉर 1, लेट एफ एक्स इक्वल फाइव, क्या मिला? एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई को किया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स। शिफ्ट एवरीथिंग टू लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करेंगे, ठीक है? इसमें एक्स वाई कॉमन आ गया, एक्स वाई टेक कर कॉमन, एक्स माइनस वाई, माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस वाई। अब आ गया एक्स माइनस वाई, अनदर ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वन। हमें क्या करते हैं, इसको पूछा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू 0, क्या आया एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू इक्वल करेंगे 1/y। तो हमेशा एक्स इक्वल वाई आना चाहिए, ये 1/y क्यों आ जाए? देयरफॉर एफ इज नॉट, एफ इज नॉट 1-1, एफ इज नॉट 1-1, ये समझ आ गया, एफ इज नॉट 1। एक्स इक्वल टू वाई आया तो चला, ये क्यों आया? इट शुड नॉट हैव कम। अब हम करते हैं उसको चेक कि क्या ये ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं, एक्स का वैल्यू पता करते हैं वाई के टर्म्स में, ऑन टू लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, मैं थोड़ा चेंज करता हूं, एफ एक्स ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स का वैल्यू पता करता ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो अब एक्स स्क्वायर वाई, अब ऐसा क्वेश्चन माइनस एक्स प्लस वाई, अब समस्या हो गई कि कैसे करें एक्स का वैल्यू। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखा होगा, मैं बताऊंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गुरु 0, सिल्वर आचार्य फॉर्मूला। एक्स गुरु क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, f का कोएफिशिएंट b, तो किसी का नहीं वो c। अब यहां a क्या है? यह a इक्वल टू 1, सॉरी a इक्वल टू y, b इक्वल टू माइनस 1 एंड c इक्वल टू y। सो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस b, माइनस b मतलब 1, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यू कैन राइट 1।
माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए सी वाई इंटू सी वाई इंटू वाई, ए इंटू फोर वाई स्क्वायर बाई टू ए या टू ए टू वाई हो गया. ये दिस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट बच्चों. 2018 में छह नंबर का आया था. अब हम चेक करते हैं कि क्या सारी वैल्यूज एक्स सॉरी वाई की सारी वैल्यूज के लिए एक्स का जो वैल्यू आएगा क्या वो हमेशा आर है रियल नंबर में. तो मैंने आपको बताया था आप वाई का एक वैल्यू माइनस का लेना एक लेना प्लस का एक लेना जीरो. वाई का जीरो लिया तो ये वैसे भी नॉट डिपेंड, डिनोमिनेटर जीरो आ गया नॉट डिपेंड. तो जीरो वाले में भी ये नॉट डिपेंड हो गया तो भी नहीं हुआ. वाई का आपने वन ले लिया टेक वाई इन वन, वन माइनस फोर, वन माइनस फोर इंटू वन, वन माइनस फोर अंदर क्या माइनस का थ्री रूट पर हो गया. ये तो रियल नंबर नहीं, ये तो आयोटा वाला नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर है. तो यहां कह सकते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ वाई डज नॉट गिव एक्स रियल नंबर. तो यहां लिख देंगे इफ वाई इक्वल टू वन तो क्या हो गया एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस वन माइनस फोर बाई टू इंटू वन, फोर इंटू वन स्क्वायर कर दो क्या मिला वन प्लस माइनस माइनस थ्री बाई टू.